दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्या ने खेला डिविलियर्स की तरह शॉट तो दंग रह गया पूरा स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। इसमें सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एबी डिविलियर्स को भी हैरान कर दिया। तो आखिरकार कैसे एबी डिविलियर्स की तरह सूर्य कुमार यादव ने शानदार शॉट खेला, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ सूर्या की बल्लेबाजी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और एबी डिविलियर्स में से कौन है विस्फोटक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच रोमांचक मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को 206 रन पर रोका, जहां पर विरोधी टीम की तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिली। तो वहीं जब भारतीय टीम 207 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक 4 विकेट जल्द से जल्द गिर गए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और उन्होंने अक्षर पटेल के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एबी डिविलियर्स की तरह 360 डिग्री का शॉट खेला। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी के होश उड़ाए। सूर्य कुमार यादव ने पारी के 16वें ओवर में पीछे स्क्वायर लेग की तरफ एक लंबा 64 मीटर का छक्का लगा दिया और ये छक्का बिल्कुल लैंप शॉट की तरह था। इस छक्के के साथ एबी डिविलियर्स के साथ पूरा स्टेडियम दंग रह गया, क्योंकि सभी को मालूम है सूर्य कुमार यादव भारत के एबी डिविलियर्स हैं और एबी डिविलियर्स की तरह बल्लेबाजी करना जानते हैं। हालांकि एबी डिविलियर्स ने खुद बयान देते हुए कहा कि आने वाले समय में नए एबी डिविलियर्स के तौर पर सूर्य कुमार यादव रहने वाले हैं। तो वही सूर्य कुमार यादव ने भी 360 डिग्री के रूप में बयान देते हुए कहा था कि दुनिया में एक ही 360 डिग्री प्लेयर है, वो है एबी डिविलियर्स। लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव अपनी पारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं ले जा पाए। सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 142 के स्ट्राइक रेट के साथ 51 रन की पारी खेली और अपना विकेट कैच आउट होकर दे दिया। तो वहीं सूर्य की बल्लेबाजी की सराहना हर कोई कर रहा है। दोस्तों बड़ी बुरी तरीके से दूसरे T20 मुकाबले को हार गई भारतीय क्रिकेट टीम, तो भड़क गए महेंद्र सिंह धोनी। आखिरकार हार के वो क्या 5 कारण थे जो धोनी ने अपने बयान में बताए हैं, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज भारतीय क्रिकेट टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या बना, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला खेला गया पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में। आपको बताए दोस्तों कि मैच शुरू होता है और दोस्तों मैच के शुरू होते ही पांड्या टॉस को जीतते हैं, लेकिन जीत कर पहले बल्लेबाजी चुनने की बजाय वो गेंदबाजी पर चले जाते हैं। हर कोई उनके फैसले से विचलित रह जाता है कि आखिरकार पांड्या ने ऐसा किया क्यों। खैर दोस्तों पहले गेंदबाजी तो चुन ली गई थी, कोई चारा नहीं बचा था, जिसका नतीजा 8 ओवर में 80 रन बना जाते हैं श्रीलंकाई टीम के 2 सलामी जोड़ी के बैट्समैन ही। दोस्तों कुशल मेंडिस तो 27 गेंदों में 50 लगा गए, उधर निशंका नाम का बल्लेबाज भी अपनी पारी के अंदर 35 रन बनाकर आउट होता है। लेकिन इनके आउट होने तक दोस्तों 10 ओवर तक ही ये श्रीलंकाई टीम 100 से ऊपर चली जाती है और आने वाली तबाही जो मचाने वाले थे कप्तान शनाका, उससे तो हर कोई पूरी तरीके से वंचित ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों शनाका तो शनाका, उनसे पहले उनके एक और सिबे सलार असालंका मैदान में आते हैं और पधारते ही 4 गगनचुंबी छक्के चढ़कर 19 गेंद में 37 रन की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं कि देखकर हर कोई आंख मलने लग जाता है। और ऊपर से शनाका 22 गेंदों के अंदर 56 रन जड़ जाते हैं। अब भला ऐसी तूफानी पारी आएंगी तो 200 के पार तो स्कोर जाना कन्फर्म था। खैर दोस्तों स्कोर 206 तक पहुंच जाता है और भारत को लक्ष्य मिलता है पूरे 207 रन का। जीत पूरी तरीके से नामुमकिन सी लग रही थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों पर भरोसा था जो कि पारी के 4th ओवर तक पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। दोस्तों आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी यह आंकड़ा सुनकर, जरा सुनिए तो ईशान किशन 2 रन पर आउट हो जाते हैं, शुभमन गिल 5 रन, राहुल त्रिपाठी 5 रन और हार्दिक पांड्या भी दोस्तों जो कप्तान थे टीम के वो 12 रन पर बल्ला फेंक के चले जाते हैं। जीत असंभव थी, लेकिन इस असंभव को भी संभव में तब्दील कर दिया था एक वक्त पर सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल ने। दोस्तों ऑलराउंडर्स और खिलाड़ी के बीच में पार्टनरशिप की एक मिसाल कायम करके गए हैं ये दोनों। आज मात्र 20 गेंदों के अंदर अक्षर ने 6 छक्के चढ़कर अपना 50 पूरा किया, तो उधर सूर्य कौन सा कम थे, अंतिम ओवर तक वो भी लड़े
और 36 गेंदों में 51 रन बनाकर कट। और दोस्तों दिल कहीं ना कहीं शिवम मावी ने भी जीता, जब अंतिम ओवर में जीतने के लिए लगभग 24 से 25 रन चाहिए थे, उससे पहले शिवम मावी 15 गेंद में 2 छक्के लगाकर 26 रन अपने देश के लिए बना चुके थे। लेकिन जाते जाते दोस्तों दिल जीता है अक्षर पटेल ने, जिन्होंने 31 गेंद में 65 रन बनाए। और दोस्तों भले ही हम इस मैच को हार चुके हैं, लेकिन ये हार कोई ऐसी हार नहीं कि हमें बहुत बुरी हार मिली है। अक्षर की ये बल्लेबाजी किसी जीत से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों की कुछ गलतियां रही जिसके चलते हम इस जीती हुई बाजी को भी हारे हैं। और अब तो धोनी ने भी अपना बयान दे डाला है, आखिरकार उनके मुताबिक वो कौन से 5 कारण है जिसके चलते हम चाहकर भी नहीं जीत पाए। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों धोनी ने गुस्से में अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक शर्मनाक हार है। जिस तरीके से अक्षर और सूर्य ने खेला वो तो एक मिसाल से कम नहीं, लेकिन वो मिसाल का क्या फायदा जो देश को ना जिता पाए। लेकिन मेरे नजरिए में हार के कुछ ऐसे कारण रहे हैं जो अगर ना होते तो हम इस मुकाबले को 100 नहीं 1000% जीत सकते थे। हार का सबसे पहला कारण तो यही रहा कि जब हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता पिच बल्लेबाजी की है तो उन्हें गेंदबाजी चुनने का क्या फितूर चढ़ा था, यहाँ तक कि कार्तिक ने भी उन्हें टोक दिया। लेकिन जब हार्दिक पांड्या को यही नहीं पता कि एक बल्लेबाजी पिच है, तो ऐसा कप्तान कैसी कप्तानी कर रहा था जो केवल मजे के लिए टॉस में कुछ भी चुन ले। पांड्या को एनालिसिस करके मैदान में आना चाहिए था। ये सरासर घटिया व गलत फैसला था जिसका असर हमारे बल्लेबाजों पर भी पड़ा। हार का दूसरा कारण गेंदबाजी में छिपा है। माना कि श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ियों में मनोबल बहुत मजबूत है, लेकिन जब गेंदबाज आकर आगे से दूसरे ही ओवर में 3-3 नो बॉल फेंकेंगे तो 8 ओवर में 80 क्या भाई साहब 100 रन भी लगेंगे। हर्षदीप की नो बॉल कहीं ना कहीं एक प्रेशर ट्रांसफर कर चुकी थी भारत के कंधों पर, जिसका नतीजा हम सब के सामने है। हार का तीसरा बड़ा कारण भी भारत की गेंदबाजी में ही छिपा है। अगर कुछ गेंदबाज रन लुटा रहे थे तो बाकियों को विकेट लेने थे, और विकेट भी नहीं मिल रहे थे तो रन कम देने थे। लेकिन जब आपके आधे से ज्यादा गेंदबाज 50 से ज्यादा रन देंगे या फिर 2 ओवर में 30-30 रन, तो आप मैच को कैसे जीतेंगे। 207 का लक्ष्य चेस करना हलवा तो नहीं है। और चौथा व सबसे बड़ा हार का कारण भारतीय बल्लेबाजी में छुपा है। टॉप ऑर्डर आके हर बार ही फेल हो जा रहा है। मिडिल ऑर्डर में किसी खिलाड़ी को कोई सुधि नहीं है। टीम सिलेक्शन में राहुल त्रिपाठी को लाया गया, पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। 2 बल्लेबाज मिलकर एक मैच को नहीं जिताते, पूरी टीम को जिताना होता है। और टॉप ऑर्डर का फेल होना हार का सबसे बड़ा कारण है। तो वही 5वां हार का कारण यह बना कि आज वाकई में टीम में रोहित शर्मा, बुमराह व पंत जैसे खिलाड़ियों की कमी खली है। अगर ये सब होते तो भारत की जीत निश्चित थी, क्योंकि सही फैसले सही वक्त पर लिए जाते। दोस्तों एक एक कारण जो धोनी ने बताया है वह वाकई में इतना सॉलिड है कि आप भी उस पर यकीन कर गए होंगे। सो भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद पूरी तरीके से रो पड़े अंतिम ओवर तक मैच को ले जाने वाले अक्षर पटेल, लेकिन एक शूरवीर की तरह लड़ने के बाद अक्षर पटेल ने अपने बयान में हार का जिम्मेदार किसे बताया, या फिर हार के बाद अक्षर ने अपने बयान में क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव और पांड्या में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में भले ही भारतीय क्रिकेट टीम हारी है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लड़कर मैच को हारे हैं। ऐसा नहीं कि हम 100 रन के अंतर से हार गए, 207 का टारगेट मिला था। आज अक्षर पटेल की तारीफ बनती है और दिल से बनती है। आपको बता दें कि मैच की जब शुरुआत हुई थी तो पांड्या के एक गलत फैसले ने सबको चौंका दिया था। पहले गेंदबाजी का बल्लेबाजी की पिच थी, फिर भी वो गेंदबाजी चुन गए। खैर उनसे गलती हुई और अब गलती को तो कवर अप करना ही था। गेंदबाजों की जमकर धुनाई। हर्षदीप साहब को जना जाने क्या फितूर चढ़ा, उन्होंने 3 बैक टू बैक नो बॉल दी। 200 आलम ये था कि 8 ओवर में 80 रन स्कोरबोर्ड पर लग गए थे हमारे खिलाफ। आप ऐसे मैचेस में जीतने के ख्वाब कम ही देखते हैं। क्या पता था आगे चलकर शनाका और असलंका और बड़ी तबाही मचाएंगे। असलंका 219 में 37 जड़ गए तो शनाका 55 रन, जिनकी तूफानी पारियों के चलते बची कुची सारी कसर पूरी हो गई। और हमें टारगेट मिलता है 207 रन का, और ये टारगेट छोटा तो नहीं होता। 207 को चेस करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की पारियां चाहिए थी बड़ी और उससे भी मजबूत पार्टनरशिप्स, लेकिन पार्टनरशिप के नाम पर भारतीय क्रिकेट टीम को कुछ नहीं मिल पाया। आंकड़े सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ईशान किशन 2 रन, राहुल त्रिपाठी 5 रन, शुभमन गिल 5 रन, तो दोस्तों खुद कप्तान पांड्या 4th ओवर तक अपना विकेट 12 रन पर गंवा चुके थे। अब भला ऐसा भी क्या कप्तान जो 12 पर आउट हो जाए, और जब टीम को जबकि 207 रन चाहिए हो। लेकिन ऐसे वक्त पर 2 मजबूत खिलाड़ी मजबूती से भारत को संभाले खड़े रहे अंतिम पल तक। हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव की। सूर्य तो सूझबूझ से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अक्षर को रोकने वाला आज कोई था ही नहीं। दोस्तों अक्षर ने छक्कों में डील करी।
हजरंगा को छक्के लगाए, कर्णरत्ने को छक्के लगाए और उन्होंने मात्र 20 गेंदों के अंदर 6 छक्के जड़कर अपना 50 भी पूरा कर लिया। यसूर्य आउट हो गए थे 251 रन पर, लेकिन अक्षर जाते जाते भी 31 गेंदों के अंदर पूरे 65 रन की पारी खेल कर गए। हालांकि इसके बावजूद भी हमारी टीम 18 रन के अंतर से मैच को हार गई, लेकिन अक्षर की पारी इस ऐतिहासिक मैदान में अमर हो चुकी है और दोस्तों इसीलिए हार का गम नहीं अक्षर के लिए खुशी है। परंतु दोस्तों अक्षर पटेल ने हार के बाद क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अक्षर पटेल ने भावुक होकर हार के बाद अपने बयान में कहा, यह मुकाबला वाकई में मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि ये मैदान एक बल्लेबाजी पिच है और यहाँ पर हमेशा मुकाबले लगभग हाई स्कोरिंग ही रहते हैं, और जिस हिसाब से हमारे गेंदबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ कमबैक भी किया था उससे लग रहा था कि स्कोर 180-170 के आसपास रहेगा, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि स्कोर 207 तक चला जाएगा। परंतु अब उसे चेस करना था, अर्ली विकेट्स गिर चुके थे और मेरे और सूर्य के बीच में केवल एक ही बातचीत थी कि देश को किसी भी हाल में कैसे भी करके जिताना है, इसीलिए वो डिफेंसिव खेल रहे थे और मैं बड़े शॉट्स लगाने का लगातार प्रयास करता चला गया। सूर्य ने भी मुझे ऐसी तरीके से बल्लेबाजी कंटिन्यू करने के लिए प्रोत्साहित किया और पांड्या ने भी कहा था कि आपको अपने अंदाज में खेलना है, जीतने के लिए स्कोर बड़ा है तो बड़े शॉट लगाने हैं। बस मैं बड़े शॉट लगाता चला गया और कामयाबी मिलती रही, लेकिन अफसोस इस पारी के चलते भी भारत को जिता ना सका। ये हार तो जरूर है, लेकिन भारतीय फैंस को इस बात का वादा जरूर करना चाहूंगा कि अगले मुकाबले को जीतकर हम कमबैक करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि अगर आज थोड़ी सी बल्लेबाजी बेहतर हो जाती तो हमें इस मैच को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। उम्मीद है अगले मैच को जीतकर हम इस सीरीज को अपने नाम करेंगे। दोस्तों अक्षर पटेल हार के बाद बेहद भावुक नजर आए और हो भी क्यों ना, इतनी शूरवीर भरी पारी खेली उसके बाद भी हार गए। लेकिन आप सभी अक्षर पटेल के लिए क्या कहेंगे नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।